परंतु स्थिर प्रज्ञा होने का मार्ग क्या है माधव? सांख्य योग पार। सांख्य योग के कारण मनुष्य सदैव परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है। परमात्मा के निरंतर स्मरण से उसके हृदय में समर्पण का भाव जागृत होता है और उसे ही भक्ति कहते हैं पार। भक्ति से मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से मनुष्य को परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो परमात्मा के दर्शन कर लेता है वो वास्तव में कर्मयोगी बनता है। वो जन्मों के फेरों से छूटकर उससे मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण भी वही है पार। परमात्मा के दर्शन करने हेतु दृष्टि पर बंधी मोह, क्रोध, अहंकार और पूर्वाग्रह की पट्टी उसको उतारना आवश्यक होता है पार्थ। यदि अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य तुमसे ये पूछे कि मैं सूर्य के दर्शन कैसे करूं, तो उसे क्या कहोगे पार्थ? उससे कहोगे कि अपना कक्ष त्याग कर आकाश के नीचे आ जा, सूर्य तो सदा उपस्थित है। उसी प्रकार सारा संसार ही परमात्मा है। एक पर ब्रह्म का भाग होकर पुरुष और प्रकृति बने, प्रत्येक शरीर में परमात्मा का अंश होता है और जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे स्वयं परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं पार। जिस प्रकार नमक के एक कण का स्वाद सारे सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होता पार। क्या आप ही परमात्मा है माधव? अवश्य, केवल मैं ही नहीं, तुम भी परमात्मा हो अर्जुन। केवल तुम जागरूक नहीं, मैंने वो जान लिया है कि मैं ही समस्त संसार, इस संसार का कण कण, मैं ही सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्र, मैं ही सारे मनुष्य, मैं ही दुर्योधन और मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन। आपके प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता माधव? अवश्य पार, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मान् परित्रज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत के सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण स्वीकार करो पार्थ। मैं ही भूमि, मैं ही आकाश हूं, मैं सूर्य से भी पुरातन हूं। मैं किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया, मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं पार। किंतु वो कैसे संभव है माधव? आपका जन्म बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता जीवित है, जिनके गर्भ में आपका शरीर बना, आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं माधव? तुम शरीर को देख रहे हो पार और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए, मैंने अनेक अवतार धारण किए,
मेरे अनेक शरीर बने और मिट्टी में मिल गए। आगे भी मैं अनेक बार जन्म लूंगा पार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत